पहले बहुत सारे मंथन हुए, कल भी मंथन, आज भी मंथन, बड़ा गोपनीय मंथन हुआ है इस बार। हमारे ने प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब छत्तीसगढ़ दौरे में आए थे। सत्ता और संगठन के साथ साथ संगठन को कैसे मजबूती प्रदान करें और संगठन की गतिविधियां कैसे हो, सरकार की योजनाओं को संगठन के माध्यम से आम जनता तक कैसे पहुंचे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई। और प्रस्तावित जो निगम मंडलों के जो नाम है उन नामों पर भी चर्चा हुई और सहमति बनाने का प्रयास किया गया, और हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उन नामों पर अंतिम मुहर लगे। इस महीने नाम आ जाएंगे, उम्मीद है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी से हमने विस्तार से चर्चा की, और संगठन के माध्यम से जो नाम आए थे उन नामों पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। अच्छा, एक और चीज की ये भी बात आ रही है कि कुछ विधायकों को लिया जाएगा, उनको भी एडजस्ट किया जाएगा, कुछ सीनियर्स के नाम आ रहे हैं। देखिए, विधायकों को लेने की बात, अंतिम निर्णय तो आदरणीय पुनिया साहब और हाई कमान करेगा, इसमें मैं कुछ नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो भी निर्णय होता है हाई कमान करता है। आप लोगों की ओर से प्रस्ताव आया है? देखिए, अभी तक तो उस पर चर्चा कोई नहीं हुई है, मगर जो नाम आए हैं उनमें प्राथमिक चर्चा हुई है। अच्छा, एक और चीज की ये भी चर्चा है कि कुछ चीजों को लेकर के सरकार कैसे चलाया जाए, उसकी समीक्षा भी हुई है? सरकार की कोई समीक्षा नहीं, समीक्षा करने का अधिकार तो विशेष अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, तो समय समय पर चर्चा करते रहते हैं, समीक्षा करते रहते हैं, कैसे काम करना है, कैसे सरकार चलना है, उनका विशेष अधिकार है। समन्वय को लेकर के मंत्रियों के बीच में चर्चा हुई है? नहीं, कोई संगठन और सत्ता के बीच नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई। हमको कैसे काम करना है, संगठन के माध्यम से सरकार की योजनाओं को आम जनता तक कैसे पहुंचाना है, उसमें विस्तार से चर्चा हुई। कहा यह जा रहा है कि पहली लिस्ट 10 से 15 नाम आएंगे, फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट आएगी, इस तरह से होगा क्या? देखिए, क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, मगर अभी प्रारंभिक चर्चाएं हो रही है, नामों पर चर्चा हुई, उन्हीं नामों में से जो भी होगा, जितने भी आंकड़े होंगे वो अंतिम मुहर लगेगी तभी पता चलेगा। तो मोहन मरकाम बहुत कुछ बता नहीं रहे, लेकिन जो बता रहे हैं उससे संकेत मिल रहे हैं कि मोटे तौर पर स्क्रूटनी का काम पूरा हो चुका है, अब उस पर आलाकमान की मोहर बाकी है, कुछ और चीजें फाइनलाइज की जाएंगी, कुछ नामों पर और चर्चा बाकी होगी, लेकिन फिलहाल जो समन्वय की बात भी आ रही थी बीच में, समन्वय वो कह रहे हैं कि समन्वय को लेकर के कोई समस्या नहीं है, समन्वय सभी के बीच में बहुत अच्छा है। रायपुर से रूपेश गुप्ता। एक छोटा सा